ये हमारा खाना तैयार है। सेम पापड़ की सब्जी है, लहसुन की मिर्ची है और प्याज है। हेलो दोस्तों, देसी व्लॉग राजस्थानी खाने में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेब और पापड़ की सब्जी। आपको मेरे हाथ की बनाई हुई सब्जी कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे बताना। थैंक यू दोस्तों। ये हमने फाइन प्याज चॉप कर दिए हैं, हरी मिर्ची ले ली है, आधी कटोरी दही ले लिया है, लहसुन और अदरक ले लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और सेव लिए और दो पापड़ लिए। अब इसकी हम आज शानदार सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तेज, इसमें हम 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। सेव टमाटर में कम ही तेल लगता है। इस साइड में हमने लहसुन को और अदरक को कूट लिया है, इसको दही में डालेंगे। तेल हमारा बढ़िया गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज के साथ ही गरम मसाला डालेंगे। अब प्याज को ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को एकदम ब्राउन होने तक बढ़िया भून देंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है हमारे राजस्थान में, आप भी बना के देखना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम स्वाद अनुसार मसाले डालेंगे, तो हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये हमारी घर की पीसी हुई लाल मिर्ची है, हल्दी डालेंगे और धनिया डालेंगे। ये टेस्टी सब्जी बहुत शानदार बनेगी। प्याज हमारे पक रहे हैं, आहा क्या प्यारी खुशबू आ रही है प्याज की गरम मसाले के साथ। इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे। ये हमने मसाला तैयार कर लिया है, अब पापड़ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये हमने पापड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। इसको भी हम शानदार ब्राउन करेंगे जाली पड़ने तक। दही फटे ना, इसलिए फटाफट फेंक रहे हैं। ये हमारे मसाले में शानदार जाली पड़ गई है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची और थोड़ा पुदीना सूखा डाल देते हैं। सूखे पुदीने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। ये शानदार ग्रेवी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों। अब इसकी ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी में हमारे बॉईल आ गया है, अब इसके अंदर हम पापड़ और सेव डाल देंगे। ये शानदार पापड़ सेव की सब्जी तैयार है दोस्तों। 2 बॉईल आने पर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है।